हेलो फ्रेंड्स, मैं मयूर संधू, आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटी। मेरे सारे वीडियोस टी बिजनेस से रिलेटेड होते हैं क्योंकि मैं खुद चाय पत्ती में काम करता हूँ। मेरा खुद का ब्रांड है, आप पीछे पोस्टर में भी देख सकते हो। ये जो मेरा पैकेट है पाव किलो का, ठीक है, भाग्यश्री टी के नाम से मैंने मार्केट में लॉन्च किया है। अच्छा खासा धंधा चल रहा है, कोई बुरा तो नहीं है, घर चल रहा है, ठीक है। और जो हमारा आज का टॉपिक है उसकी तरफ मुड़ते हुए क्वांटिटी, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता दूं। TBSS, थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल। सोच हमेशा बड़ी रखनी है, शुरुआत छोटी करनी है। तो अगर आपने चाय पत्ती का बिजनेस शुरू कर दिया है, 50 किलो, 100 किलो, 150 किलो आप बेच चुके हो, तो मैं आपको बोलूंगा अभी आप क्वांटिटी की तरफ मुड़िए। क्वांटिटी में माल परचेस कीजिए, 500 किलो, 1000 किलो, 2000 किलो, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से मिनिमम 500 किलो कीजिए, ठीक है। इसमें फायदा बहुत है और बहुत है। 500 किलो अगर आप खरीद रहे हो तो अभी आप जो मेन मंडी बोलते हैं, वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी, द्वार, आसाम, यहाँ पे आपको एंट्री ओपन हो गई है, आप यहाँ पर अब जा सकते हो, ठीक है। फिर भी अब परचेसिंग मैं आपको बताऊंगा कैसे होती, मतलब कैसे करनी चाहिए परचेसिंग, तो हमें फायदा है। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। कैसा है, हमें डायरेक्टली टी फैक्ट्री के ओनर से मिलना है, ठीक है। ओनर डायरेक्टली नहीं मिलते मोस्ट ऑफ द टाइम, उनके मैनेजर्स वगैरह होते, बट उनसे भी मतलब काफी काम अच्छा हो जाता है, ठीक है। अगर हम ब्रोकर के पास जाते हैं ना, तो मान लो हमें एक 12 से 15% का नुकसान हो सकता है। नुकसान यानी कि ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, ठीक है। होता क्या है, मैं आपको एक चैनल बता देता हूँ। फैक्ट्री से माल निकलता है, ऑक्शन में जाता है, ठीक है। तो जब फैक्ट्री से माल ऑक्शन में जाता है ना, तो फैक्ट्री का जो ओनर होता है उसको 10 दिन, 12 दिन या 15 दिन के बाद पैसे मिलते हैं। जब उसका माल ऑक्शन में बिकेगा तब उसको पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो उसको पता है कि भाई मेरा 10 लाख का माल है, 5 लाख का माल है, जो भी है, 10 दिन के बाद पैसे मिलेंगे। तो जो भी उसका रेट होगा, मान लो 140 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो उसमें 2% बढ़ा देगा, ठीक है। 3 रुपये 40 पैसे हो गए, सॉरी 2 रुपये 80 पैसे हो गए, 2%, वो 140 रुपये में ऐड कर देगा, 142.80 रुपीज में बेचेगा ऑक्शन में, ठीक है। उसके बाद में जो उसको खरीदेगा वो उसमें लग जाएगा 5% गोडाउन चार्जेस लग जाएगा, 5% ब्रोकर अपना ले लेगा, ठीक है। ये 10% हो गया, 2% फैक्ट्री वाले ने बढ़ा के बेचा, 12% आपको ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको GST, ट्रांसपोर्टेशन, वो तो खैर आप किधर से भी लो वो तो आपको लगना ही है, ठीक है। अगर आप जहाँ पे चाय पत्ती नॉर्थ ईस्ट से दूर रहते हो तो आपको थोड़े ज्यादा देने पड़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, या फिर दिन भी ज्यादा लगते हैं आप, मतलब एक 10 से 12 दिन मुझे महाराष्ट्र में माल पहुंचने को लगता है, मैं अगर आसाम से माल खरीदता हूँ तो, ठीक है। तो ट्राई कीजिए, ढूंढिए, घूमिए। अगर आप एक विजिट कर सकते हो आसाम सिलीगुड़ी के अंदर, वहां पे आप डायरेक्ट फैक्ट्री के ओनर जो होते हैं या उनके मैनेजर्स होते हैं उनसे आप बात कीजिए, तो आपको जो मतलब एक मान लो मोटा मोटा एक 15 से 18 रुपए का फर्क तो पड़ ही जाएगा मेरे हिसाब से 1 किलो के पीछे, जो काफी होता है, जो बहुत ही काफी होता है। क्यों, आपको, आप जब फैक्ट्री से खरीदोगे तो आप कैश में खरीदोगे माल, ठीक है, आपको कोई क्रेडिट तो देगा नहीं वहां पे। तो आप जब कैश में दोगे तो आपको फर्स्ट प्रिफरेंस रहता है, ठीक है। ऑक्शन में तो वो जाएगा, 10 दिन के बाद उसको पैसा मिलेगा, तो आप फर्स्ट प्रिफरेंस हो। भले आप 500 किलो ले रहे हो लेकिन आप कैश दे रहे हो, मतलब जो भी अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, फिर आप माल ले रहे हो, ठीक है। तो ये है परचेसिंग, ठीक है। आपको क्वांटिटी में परचेस करने का ये एक बहुत बड़ा फायदा है। और दूसरी चीज, मतलब आप लोकल मार्केट से अभी तक चाय पत्ती खरीद रहे थे, ठीक है, 100 किलो, 30 किलो, जो भी कुछ खरीद रहे थे उसका अलग रेट होता है, और जब आप 500 किलो 1000 किलो खरीदोगे तो उसका एक अलग रेट होता है। तो ये जान जाइए, क्योंकि अगर आप मान लो आपने किलो के पीछे अगर आपको एक 15 रुपए का भी फायदा पड़ गया ना, तो सोच लो 1000 किलो के ऊपर आपको सीधा सीधा 15,000 रुपए का मुनाफा होता है। 15,000 में आप ज्यादा नहीं तो 2 एम्प्लॉय तो आप रख सकते हो 15,000 रुपए में, जो आपने बचा लिए है, ठीक है। ठीक है, तो परचेज तो फिलहाल तो इतना ही है। मैंने मेरे आगे के आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी परचेज के बारे में बताऊंगा। और इसके बाद में अभी दूसरा है सेल्स, ठीक है। हमें सेल्स भी तो क्वांटिटी में करना है, खरीद तो लिया हमने 500 किलो 1000 किलो, ठीक है,
तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अब जब हम छोटे वेंडर थे, हम जब छोटे बिजनेसमैन थे, 50 किलो, 100 किलो, 150 किलो, तो हम क्या कर रहे थे, 1/2 किलो, आधा किलो, 100 ग्राम, मे बी 1 किलो, यही बेच रहे थे। और हमारे पास 1/2 किलो बेचने में भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर कस्टमर ज्यादा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। दिन में अगर 100 जन 1/2 किलो खरीदते हैं तो 25 किलो की सेल होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हमारा कस्टमर नया है, अभी तो हमारे पास ब्रांडिंग नहीं है, मतलब हमने ब्रांड नहीं बनाया, हम थैली में पैक करके बेच रहे हैं, ठीक है, ये सब कर रहे हैं। तो अब होगा क्या, अब आगे भी हम 1/2 किलो, आधा किलो ही बेचते रहेंगे तो कब तक मतलब ये चलता रहेगा? तो हमें हमारी जो है ना ब्रांडिंग अच्छे से करनी है। अगर आप स्टिकर चिपका सकते हो, स्टैंड अप पाउच जैसे मैंने आपको बताया है पहले के वीडियो में, वो यूज करते हो, अगर आपके पास मतलब फंडिंग है तो आप जैसा मैंने बनाया है वैसा आप एक पैकेट बना सकते हो आपके नाम का, आपके ब्रांड का, ठीक है। इससे बहुत फायदा हो जाता है, जब आप ये लॉन्च करोगे ना तो एक बूम हो जाता है आपके सेल्स में ऑटोमेटिक, की बिकॉज ये प्रोफेशनल हो गया, मतलब ये तो प्रोफेशनल चीज हो गई, तो मतलब है कि बूम हो जाता है, ठीक है। तो सेल्स में कैसा होता है ना, क्वांटिटी में करना, कि मतलब आपको आपके एरिया के हिसाब से आप स्कीम निकाल सकते हो कि भाई 5 किलो ले लो, आधा किलो फ्री, 5 किलो ले लो, 1 किलो फ्री, जो भी। आप एमआरपी तोड़ के मत बेचिए स्टार्टिंग में। तो मुझे लगता है कि आप देखो, अगर आपके पास पैकिंग अच्छी नहीं है तो आप दुकान में तो माल डालोगे नहीं, ठीक है। आप कहाँ पर डालोगे माल, डोर टू डोर सेल करोगे, जो आपके रिलेटिव्स, कलीग्स, नेबर्स, आसपास वाले होंगे ना उनको आप माल दोगे, ठीक है। तो कैसा होता है ना, मतलब वो 1/2 किलो ले रहे, आधा किलो ले रहे, तो अभी क्वांटिटी बढ़ाओ, मतलब आप जब बात करोगे तो उनको बोलो यार कितना दो, 1 किलो, 2 किलो, ऐसा बात करो। अगर आपके पास आप डस्ट वगैरह बेच रहे हो, आपके पास होटल लाइन के कस्टमर है, चाय टपरी जो होते हैं, टी स्टॉल होते हैं, वो आपके पास कस्टमर है, तो फिर तो आपका माल ऑलरेडी क्वांटिटी में जाता होगा, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो भी चाय वाले के हिसाब से, ठीक है। तो सेल्स का एक्चुअली मैं और भी सेल्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और मार्केटिंग के लिए तो मैं मतलब शायद 50 वीडियो भी कम पड़ जाए, ठीक है। आज के लिए तो बस इतना ही, और ये जो सेल्स का था एक परचेस, तो मैंने एक अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सेल्स एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से करूंगा, ठीक है। आज के लिए तो इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।